बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास नाइन्थ आर्ट्स। आज जो हमारे पास आपकी एक्सरसाइज है वो है जी 7.4। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जी ज़रबी सिलसिला 2, 8 और 32 में सातवीं रकम लिखी है। इससे पहले जो 7.3 तक हमने क्वेश्चन किए हैं वो थे हमारे जमी सिलसिला, उसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर में जमा करके आ रहा था। अब इसमें ज़रबी सिलसिला का मतलब क्या होगा कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा। उसमें हमने यूज़ किया था डी, जिसे हम कहते थे कॉमन डिफरेंस। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे आर, इसको हम कहेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब क्या होगा कि हर नंबर को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आर है ये। तो अब आप देखिए कि डी जब हम फाइंड करते थे तो डी का जो हमारे पास फार्मूला था वो था जी a2 - a1, यानी कि हम अगले नंबर में से पिछले को माइनस करते थे। जब हम इसमें आर फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला रहेगा यानी कि a2 / a1, या फिर a3 / a2, या फिर a4 / a3, यानी कि अगले नंबर को पिछले नंबर पे डिवाइड करके हमारे पास इसका क्या फाइंड होगा जी, आर फाइंड होगा। तो अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसकी ज़रा और अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो सिलसिला उसने दिया हुआ है वो है जी 2, 8, 32। तो इनकी मदद से हम फाइंड करेंगे ये तीन वैल्यू, तो 11वें नंबर पे कौन सा नंबर आया, सॉरी 7वें नंबर पे जो वैल्यू है वो कौन सी है वो हम फाइंड करेंगे। तो पहली वैल्यू जो है हमारे पास वो है जी ए जो है वो हमारे पास 2 है। ये a1 है, ये a2 है, a3 है, ऐसे ये चलती जा रही हैं। n जो है नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 7वीं। तो n जो है हमारे पास 7 आ गया। अब हम इसका निकाल लेंगे कॉमन रेशो, मतलब के जो है r। r निकालने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला है a2 / a1, यानी कि पहले d में हम दोनों को माइनस करते हैं, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू पे आपने डिवाइड कर लिया, या तो आप ले लें a1 पे डिवाइड कर लें, या a3 को a2 पे डिवाइड कर लें, आपका आंसर एक ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए a2 जो है हमारे पास वो है जी 8, और जो a1 है वो हमारे पास है 2। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 2 4 8। अब r वो नंबर है जिसको हर नंबर से मल्टीप्लाई कर किया हुआ है तो अगला नंबर आया हुआ है। जैसे देखें 4 है ना, 4 2 8 8 4 32, फिर 32 को 4 से करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गई। अब इसका हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला, हम वो अप्लाई करते हैं इस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इसका फार्मूला हमारे पास an = a r n - 1 जी। ये हमारे पास ज़रबी सिलसिला का फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। an हमारे पास क्या है जी 7, a हमारे पास है 2, r की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये आ गई है 4, और उसकी जो पावर है n हमारे पास है 7, उसमें से 1 माइनस कर दें जी। तो a7 = 2 × 4 की पावर हमारे पास आ गई 6। तो 2 × 4 की पावर 6 अगर हम लें कैलकुलेटर से, तो 4 पावर जो है हमारे पास इसकी 6 है। तो ये हमारे पास आ गया 4096। इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है 8192, यानी कि ये जो है हमारे पास कौन से नंबर वाली वैल्यू आ गई, a7, यानी कि जो 7वें नंबर पे हमारे पास ज़रबी सिलसिला की जो वैल्यू होगी वो होगी 8192। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये जो है 4 है इसको 3 दफ़ा तो किया हुआ है, 4 दफ़ा और इनके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास 7वें नंबर पर यही आएगा। तो ये हमने फार्मूला से इसको किया। अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रबी सिलसिला 2, 6, 18 की 11वीं रकम होगी जी।
तो 11वीं रकम के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ए हमारे पास क्या है जी 2, और जो है एन हमारे पास है 11, 11वीं वाली हमने फाइंड करनी है, और आर जो है हमारे पास इसका फार्मूला ए 2 डिवाइडेड बाय ए 1। तो अगर हम इसको डिवाइड करें ए 2 को, यानी कि 6 वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली पे, दूसरी वैल्यू को पहली पर डिवाइड किया, तो 2 3 6, तो ये इसका हमारे पास जो है वो 3 आंसर आ गया। अब जो है हम फार्मूला लगा के तो इसकी जो है 11वीं वैल्यू फाइंड, ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1। तो ए एन पे हमारे पास आ गया 11, ए पे हमारे पास आ गया 2, आर पे आ गया 3, एन माइनस 1, एन पे हमारे पास क्या है जी, एन पे है जी 11, यहाँ पे 2 सेम आ गया, और 3 की पावर हमारे पास आ गई 10। तो 3 की पावर आपने लेनी है जी 10, तो यहाँ पे हम करते हैं 3, और इसकी जो एक्सपोनेंट है हमारे पास आ गया जी 10। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 2, और मल्टीप्लाई 59049 जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास आ गया 11808। तो ये हमारे पास A11 का फाइनल आंसर आ गया। अब जो है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हम वो करते हैं, तो वो है हमारे पास, तो वो है हमारे पास जो है सरबी सिलसिला -3/2, 3-6 की 6वीं रकम मालूम कीजिए। यहाँ पर आप देखिए जो ए है हमारे पास वो है जी -3/2, और जो एन है मतलब के कितने नंबर वाली फाइंड करनी है, 6 वाली। अब हमने इसका आर फाइंड करेंगे, तो आर के लिए हम क्या करते हैं, A2 डिवाइडेड बाय A1 करते हैं, या A3 डिवाइडेड बाय A2 कर लें तो फिर भी आपका आंसर वही आएगा, तो हम यही कर लेते हैं जी। A2 जो है हमारे पास 3 है, A1 है वो है जी -3/2। यहाँ पर आप देखिए ओवर के नीचे ओवर आ गया, जब नीचे डबल डिवाइड हो जाए, नीचे वाली ऊपर आगे हो जाती है मल्टीप्लाई, तो आप इसको कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पर आप देखिए अब 3 3 से कैंसिल कर दें, और -2 जो है हमारे पास ये क्या आ गया जी, आर आ गया। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, an इज इक्वल a r n -1 का, तो an मतलब 6 हो गया, a पे हमारे पास आ गया -3/2, और इधर r पे आ गया -2, n पे क्या आएगा जी, n पे हमारे पास आएगा 6-1, तो a6 इज इक्वल -3/2 सेम आ गया, यहाँ पे -2, और इसकी जो पावर है हमारे पास क्या आ गई जी, 5 आ गई, -3/2। और अगर हम इसकी पावर लें ना, -2 की पावर अगर हम 5 लें, तो आपने ब्रैकेट में पावर लगानी है, -2 लगा कर ब्रैकेट में उसकी पावर लगा देनी है, तो ये -32 आ गया। अब हम इसकी कटिंग वगैरह कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, या फिर आप कर लें माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3/2 × 32, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 48। A6 हमारे पास आ गया 48। तो जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान सा क्वेश्चन है छोटा सा, तो ये मैंने कुछ हिस्सा इसका पहले ही सॉल्व कर दिया है। सिलसिला हमारे पास है 4-12 36, इनके 4-12 36, ए हमारे पास हो गया 4, एन 5वीं रकम फाइंड करनी है, तो एन 5 हो गया, आर जो है हमारे पास A2 डिवाइडेड बाई A1, दूसरी वैल्यू को पहली पर डिवाइड कर दिया, 12 ऊपर और -12 ऊपर 4 नीचे, तो 4 1 4 4 3 4, यानी कि 3 3 3 4 12 4 3 12, -3 आ गया इसका आंसर। अब इसका फार्मूला an इज इक्वल AR n-1, तो A5 आ गया हमारे पास, इधर A4 सेम, -3, और इसकी पावर 5-n है, तो -3 की पावर हमारे पास आ गया जी 4, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 की पावर 4 लेके, पावर हमने लेनी है 4। तो अगर माइनस में वैल्यू हो तो उसकी पावर आपने हमेशा ब्रैकेट लगा के ही लेनी होगी, इनके पहले आप लिखेंगे ब्रैकेट
माइनस थ्री ब्रैकेट ऑफ, और फिर आप उसके ऊपर पावर लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया इसका जी फोर पावर लेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 81 यहाँ पर आ गया हमारे पास 324। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, तो आइए वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, दिए गए ज़रबी सिलसिला की an, n और r में से नामालूम कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास जो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला था, पहले मैं वो लिख लेता हूँ जी, an इज इक्वल a और n माइनस 1। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हमारे पास यानी कि इसमें होती हैं, तो एक वैल्यू मिस कर देगा तो 3 वैल्यूज की मदद से हमने वो चौथी वैल्यू फाइंड करनी है। और ए एन और ए दे दिया, एन नहीं हमें दिया उसने, तो एन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ए एन हमारे पास है जी 100, यहाँ पे हम लगा लेंगे 100। जो ए है हमारे पास वो है जी 1, आर पे हमारे पास आ जाएगा 10, और उसकी जो पावर है हमारे पास 9, 10 एन की पावर हमारे पास एन हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 जी। यहाँ पर अब आप देखिए 100 सेम हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सेम ही आ गया, 1 की वैल्यू नहीं होगी, तो इधर आ गया n माइनस 1। अब यहाँ पर हमने इनकी बेसिस सेम करनी है, जैसे यहाँ पर 10 की पावर है तो उधर भी हमने 10 की पावर बनानी है। तो अगर हम 100 का एलसीएम लें ना, 10 वन ज़ा 10 0 आ गया, 10 वन ज़ा 10, तो ये हमारे पास 10 का स्केयर आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास बन गया 10 स्केयर इज इक्वल 10 की पावर n माइनस 1। अब आप देखिए बेसिस सेम होगी, बेसिस बेसिस से कैंसिल होगी, हमारे पास बच गया 2 इज इक्वल n माइनस 1, तो 1 इधर आके प्लस हो गया, तो हमारे पास हो गया n इज इक्वल 3। तो ये हमने नामालूम जो मकदार थी वो हमने इसकी फाइंड कर ली है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, सेम वैसे ही होगा, फार्मूला हमारे पास ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1। ए एन उसने हमें दे दिया जी 400 इज इक्वल, ए जो है हमारे पास वो है जी 25, और ये मल्टीप्लाई है, आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास जी 2, और एन माइनस 1 सेम। फिर हम दोबारा इसमें एन ही फाइंड करेंगे। अब ये जो 25 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा 400 पे, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1। अब 400 को 25 पे डिवाइड कर लेते हैं, 400 डिवाइड 25, ये आ गया हमारे पास 16 इज इक्वल 2 एन माइनस 1। अब हमने इनकी फिर बेसिस सेम कर लेनी है, 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो ये बन जाएगा 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are 2, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 बन गया, ये भी 2 की पावर n माइनस 1, बेसिस कैंसिल हो गई, 4 इज इक्वल n माइनस 1, तो 1 इधर आ गया हमारे पास हो गया प्लस, तो n इज इक्वल हमारे पास आ गया जी इसका आंसर 5। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सेम वही उसी तरीके से होगा, इसमें भी n ही फाइंड करना है। तो ए एन जो है हमारे पास वो 1/4 है, ए पे हमारे पास 128 आ गया, मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1 आ गई, 128 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर हो जाएगा डिवाइड। ऐसे हम करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/28 इज इक्वल 1/2 और इसकी पावर हमारे पास आ गई n माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई 128 हम जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/512 इज इक्वल 1/2 और इसकी पावर हमारे पास n माइनस 1 है। तो अगर हम इसकी पावर लें ना, तो ये जो 512 है, तो ये 2 की पावर अगर मैं 9 लूँ, 2 की पावर 9, तो ये हमारे पास देखें 2 की पावर 9 अगर लें 512 आ जाता है, तो ये बन गया 2 की पावर 9 इज इक्वल 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1। तो अगर 1 की पावर भी 9 ली जाए तो वो भी हमारे पास सेम ही आता है, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी लें वही आ जाता है। इस तरह हमने इनकी बेसिस जो हैं वो सेम कर लेनी है, बेसिस कैंसिल आप कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या आ गया 9 इज इक्वल एन माइनस 1,
वन माइनस हो रहा है इधर आके हो जाएगा जी प्लस, तो एन इज इक्वल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका जी 10। तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, लिखते हैं जी एन इज इक्वल 10। तो ये हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर जो क्वेश्चन 5 है, इसके तीन पार्ट थे, तीनों पूरे हो गए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो जी बच्चों अब इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे ज़रबी सिलसिला की 11वीं रकम मनूम करें। हमने 11वीं रकम मेन चीज़ हमारे पास ये है 11वीं मनूम करनी है, जिसमें कि 5वीं रकम यानी कि कह लें कि ए जो 5 है हमारे पास वो है जी 5, इसकी 5वीं रकम 9, मतलब ए 5 हमारे पास 9 है और मुश्तरका नस्बत आर जो है वो क्या है जी 2 है और एन 5वीं रकम जो है वो एन जो है 5वीं यानी कि 5 है इसका 5 है। इसके मदद से पहले हम ए फाइंड कर लेंगे। तो ए फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला जी ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1। तो ए एन हमारे पास एन क्या हो गया जी ए 5, ए हमारे पास हमने फाइंड करना सेम ऐसे ही आ जाएगा और जो आर है वो 2 है और एन हमारे पास 5 है माइनस 1 हो गया। तो ए 5 हमारे पास क्या हो गया जी 9, ए सेम आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए 2 है और 2 की पावर हमारे पास क्या बन गई जी 4 जी। तो 9 सेम आ गया ए इज इक्वल, अब जो 2 की पावर 4 है हमारे पास देखिए वो क्या आ रहा है 2 की पावर जो 4 है 16 आ गया। तो 16 जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 9/16। तो ए हमारे पास आ गया 9/16। तो अब हम इन्हें इसको यूज़ करके तो आगे सॉल्व कर लेना। तो अब दूसरा जो डाटा हमारे पास ये 11वीं रकम मनूम करने के लिए उसके देखिए हमारे पास ए हमारे पास आ गया 9/16, एन तो आर जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा यानी कि मुश्तरका जो रकम है नस्बत है वो है 2 और जो एन है वो अब हमारे पास 11 हो गया। अब फिर फार्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1। तो ए एन यानी कि ए 11 हम फाइंड करेंगे, ए पे हमारे पास आ गया 9/16 मल्टीप्लाई आर जो है उसकी पावर 2, आर की जगह 2 और 11 माइनस 1। तो ए 11 इज इक्वल 9/16 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास आ गया जी 10। तो अब 9/16 सेम 2 की पावर 10 काट लेते हैं। तो 2 की जो पावर है हमारे पास वो है जी 10, ये आ गया 1024। 1000 जो 24 है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड कर दें अब 16 पे। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 576 यानी कि 576। इसका जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की जगह ही है, बस उसकी उसने वैल्यू चेंज कर दी है। ऐसे ज़रबी सिलसिला की 13वीं रकम मनूम की है, जिसमें 7वीं रकम की कीमत 25 हो और मुश्तरका नस्बत क्या हो जी 3 हो। इसका मतलब है जो ए 7 है यानी कि 7वीं जो रकम है वो हमारे पास है 25, तो एन हमारे पास आ गया 7, मुश्तरका नस्बत यानी कि आर कॉमन रेशियो हमारे पास आ गई 3। अब इसमें फार्मूला लगा के हम पहले ए इसमें नहीं है ए फाइंड कर लेंगे। तो ए आर एन माइनस 1, ए एन मतलब कि एन की जगह पे आपका आ जाएगा 7, ए पे ए सेम आ गया, आर पे लगा देंगे हम 3 की पावर 7 माइनस 1 जी। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 25, ए हमारे पास आ गया सेम क्योंकि ये हम फाइंड करेंगे। तो 3 की पावर हमारे पास क्या रह गया जी 6 रह गई। अब हम 3 की पावर ले लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर अगर हम लें तो वो हमारे पास बन जाएगा आप देखिए 3 इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 6। तो ये फ़िलहाल आप देखिए 25 सेम ए मल्टीप्लाई 3 की पावर हमने लिया था वो बन गया 729। 729 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा।
तो ये देखिए 25 डिवाइडेड बाय 7 29 इज इक्वल ए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने 11वीं 13वीं वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास क्या है जी, ये है जी 25 ओवर 7 29 और एन जो है 13वीं वैल्यू फाइंड करनी है और आर जो है वो पहले वाले ही हम यूज़ करेंगे 3। सेम वही फार्मूला, ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस वन। ए एन जो है वो हमारे पास अब एन की जगह पे आ जाएगा 13, ए पे आएगा 25 ओवर 7 29 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आर की 3 है और एन जो है हमारे पास 13 माइनस वन से। तो 25 डिवाइडेड बाय 7 29 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई जी, 12 आ गई। अब आप इसको सेम लिख लें 729 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 की पावर अगर हम ले ना 12, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 531441। अब हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 729 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1825 जी, 1825।